रीवा में लगी बकरों की मंडी, बकरीद को लेकर 10,000 से 60,000 में बिक रहा कुर्बानी का बकरा। आपको बता दें कि 10 जुलाई को बकरीद का पर्व मनाया जाएगा, इसे लेकर रीवा में बकरों की मंडी लगनी शुरू हो चुकी है। सबसे बड़ी मंडी रीवा शहर के मध्य स्थित छोटी दरगाह में लगी है। यहां लोग ट्रकों आदि में बकरे लाकर बेचे जा रहे हैं। बकरीद पर बकरों का रेट 10,000 से लेकर 60,000 रुपए का है। अच्छे वजन और बिना किसी चोट वाले बकरों के रेट ज़्यादा हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों की यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। कई लोग दो बकरे भी एक साथ खरीद रहे हैं। बकरीद से पहले तक इन्हें अच्छे से खिला पिला कर इनका ख्याल रखा जाएगा, जिसके बाद इनकी कुर्बानी होगी। बकरों की खरीदारी करने आए लोगों ने बताया कि कुर्बानी के लिए खरीदे जाने वाले बकरे पर काफ़ी ध्यान देना होता है। उसका सींग टूटा ना हो, दो दांत हो, कम से कम एक साल का हो, शरीर पर कोई जख्म ना हो, तंदुरुस्त हो, इसके बाद ही उसकी कुर्बानी कबूल होती है। एक मुस्लिम व्यक्ति ने उन्होंने 16,500 का एक बकरा भी खरीदा है। बता दें कि इस्लाम के मुताबिक हजरत इब्राहिम खुदा के बंदे थे, उनका खुदा में पूरा विश्वास था। पैगंबर हजरत इब्राहिम से ही कुर्बानी देने की प्रथा शुरू हुई थी। कहा जाता है कि अल्लाह ने एक बार पैगंबर इब्राहिम से कहा था कि वह अपने प्यार और विश्वास को साबित करने के लिए सबसे प्यारी चीज़ का त्याग करें। उसके बाद पैगंबर इब्राहिम ने अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने का फैसला किया। वहीं जब पैगंबर इब्राहिम अपने बेटे को कुर्बान करने वाले थे, तभी अल्लाह ने अपने दूत को भेजकर बेटे को एक बकरे में बदल दिया था। तभी से बकरीद का पर्व पैगंबर इब्राहिम के विश्वास को याद करने के लिए मनाया जाता है। इस पर्व में नर बकरे की कुर्बानी दी जाती है। इसे 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला भाग रिश्तेदार, दोस्तों और पड़ोसियों को दिया जाता है। दूसरा हिस्सा गरीब और ज़रूरतमंद और तीसरा परिवार के लिए होता है। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। यहाँ आप बकरा लेने आए हैं, क्या कीमत लग रही है? कीमत तो विगत वर्षों से देखा जाए तो इस साल कीमत काफ़ी ज़्यादा है। महंगाई का भी असर दिख रहा है, क्योंकि महंगाई और शरीयतन देखा जाए तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के राह में इंसान कुर्बानी देता है, तो उसको लिए इंसान पैसे की थोड़ा कीमत नहीं देखता। खूबसूरती और कुर्बानी का चूँकि प्रतीक है, इस वजह से बकरा लेता है और अल्लाह की राह पे कुर्बान करता है। उस हिसाब से मैंने भी बकरा देखा है, क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा हैं, महंगाई का असर दिख रहा है। देखते हैं, कीमत तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा है। ये बकरा कहाँ से लेके आए, कितनी कीमत है? 40,000। 40, क्या खासियत है इसमें? सफ़ेद आँख है, बड़े कान है, ब्लैक है। सुंदरता की वजह से जी। यहाँ पे हर एक बकरे अच्छे अच्छे खस्सी हैं, मुंडे हैं, लंबे लंबे बड़े बड़े बाल के हैं, सब ज़्यादा कीमत की कौन बकरे? खस्सी। खस्सी कितने का बिका है? 48। जी, खस्सी में क्या खासियत है जो रेट में? भारी वजन रहते हैं बकरे सब, यहीं गहरी वही गए। आज यहाँ बकरों की मंडी लगी हुई है, कई लोग खरीदने आ रहे हैं, रेट 40,000 के ऊपर जा रहे हैं, ऐसा क्या कारण है रेट का? ऐसा कारण इसलिए है कि जो जानवर बड़े खूबसूरत होते हैं, उसके वजह से व्याप जो लाता है माल व्यापारी, उसके लगता है कि हमको कीमत ज़्यादा मिल जाए। और जो पसंद का सौदा होता है, पैसे की बात नहीं होती, खूबसूरती का पैसा आदमी मांगता है, तो सामने वाले को जो अच्छा लगता है वो अपने हिसाब से लेता है। महंगाई का भी असर दिख रहा है? महंगाई तो कुछ है ही है, जो भाई साल भर मेहनत करता है अपने जानवर के लिए, तो चाहता है ना कि दो पैसे हमको मिल जाए। अब हमको पसंद आएगा तो हम लेंगे। आपने भी लिया है? हाँ, हमने भी लिया है। शुभ नाम? हाजी अहमद हुसैन जुगनू।